बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की नेक्स्ट रीडिंग शुरू करेंगे। पेज नंबर 10 ओपन करें। जी बच्चों, पेज नंबर 10 पे हमने लास्ट वीडियो में टुगेदर तक रीडिंग की थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स का मीनिंग होता है दूसरों की हेल्प करना, मदद करना। वी हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड। हम दूसरों की कब मदद करते हैं? जब उन्हें ज़रूरत होती है। टाइम ऑफ नीड का मतलब ज़रूरत के वक्त। तो हम ज़रूरत के वक्त दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वी हेल्प अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नीडी पीपल। हम जो है वो अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की, रिलेटिव रिश्तेदारों की एंड नीडी पर्सन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो ना, देखो ये दो बच्चे हैं, देखो एक को चोट लगी हुई है और दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। प्लेइंग टुगेदर, इकट्ठे खेलना। वेन वी प्ले टुगेदर, जब हम इकट्ठे खेलते हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ अदर, तो हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। टेक केयर का मीनिंग होता है ख्याल रखना अदर दूसरों का, यानी अगर किसी को चोट ना लगे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स, हमें गेम के जो रूल्स होते हैं, जो कवानीन होते हैं, उन पे अमल करना चाहिए। ठीक है, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। व्हाइल प्लेइंग टुगेदर, जब हम इकट्ठे खेल रहे होते हैं, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्राम अदर, तो हम दूसरों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपने रीडिंग करनी है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कापियों पर नोट डाउन करना है और उसे लर्न करना है। पेज नंबर 12 ओपन करें। जी बच्चों, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट डू यू लर्न व्हेन यू वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, आप क्या सीखते हैं? ठीक है, व्हेन यू वेट, वेट का मीनिंग होता है इंतज़ार करना। जब आप इंतज़ार करते हो ऑफ योर टर्न, अपनी बारी का, टर्न का मतलब बारी। ठीक है, जब आप अपनी बारी का वेट कर रहे होते हो, इंतज़ार कर रहे होते हो कि अभी एक बच्चा खेलेगा उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो उसमें आप क्या सीख रहे होते हो? इसका आंसर है वी लर्न पेशेंस When we wait for our turn, हम उस वक्त पेशेंस सीख रहे होते हैं। पेशेंस का मतलब होता है सब्र सीख रहे होते हैं जब हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी शेयर थिंग्स विद ईच अदर, क्या हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए? येस वी शेयर अवर थिंग्स विद ईच अदर, जी हाँ, हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो जब हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे भी हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपने कॉपियों पे नोट डाउन करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।